everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So this video is exclusively for 2023 batch. Juniors के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ. सबसे पहले तो a very very warm welcome to all of you guys, जो भी जिनका भी admission हो रहा है in a medical college 2023 batch में. Kudos guys, your hard work has paid off finally and अब आप finally medical college में जाने वाले हैं. Congratulations. अब काफ़ी सारे डाउट्स होंगे आपके मन में, हमारे साथ क्या चीज़ें होने वाली है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, क्या बुक्स पढ़नी होंगी, ये जो फाउंडेशन कोर्स है एक महीने का उसमें क्या होता है, क्या वो हमें अटेंड करना ज़रूरी है. एंड फोर्थ थिंग दैट आई एम गोना कवर इन दिस वीडियो इज़ अबाउट रैगिंग. क्या ये अभी भी मेडिकल कॉलेज में होती है? सो टू क्लियर अप ऑल दीज डाउट्स, लेट्स गेट इन टू द वीडियो. टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, तीन मेन सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, दैट इज़ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. एनाटमी एक काफ़ी नया सब्जेक्ट होता है जिसमें आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जिनका कभी आपने पहले नाम भी नहीं सुना होता है. हर स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी नर्व सप्लाई है, कोई भी मसल है उसका एक्शन क्या है, उसका सब कुछ हमें पढ़ना होता है. ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई, हर चीज़ पढ़नी है. तो ये टर्म्स अभी जो मैं बोल रही हूँ आपको मे भी समझ भी नहीं आ रहे होंगे. तो एनाटमी इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू, तो आप थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ लें अगर एनाटमी तो काफ़ी बेटर रहेगा. टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में आप जो भी पढ़ेंगे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपने पहले पढ़ रखी होंगी, उसका थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन ही होता है. फिजियोलॉजी में कोई बहुत नई चीज़ नहीं होती है, बट स्टिल ट्राई टू गो अप विद द पेस एंड थोड़ा थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दोगे अगर आप लाइक स्टार्टिंग से ही, इनिशियल सेगमेंट से ही, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. बायोकेम की बात करें तो बायोकेम इज़ बेसिकली अबाउट साइकिल्स, काफ़ी सारी साइकिल्स होती है, मेटाबॉलिज्म के बारे में आप पढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक TCA साइकिल है, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके होते हैं, ग्लाइकोलिसिस है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं 11th-12th में, बट स्टिल वही नॉलेज आपको वापस से यू नो रिवाइज करनी है एंड थोड़ी चीज़ें ऐडअप होंगी उसमें. तो ये सारी चीज़ें होती है बायोकेम में. बायोकेम बच्चे लास्ट में प्रेफर करते हैं पढ़ना, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है. बट अब मैं बोल तो रही हूँ कि स्टार्टिंग से पढ़ना होता है, बट मेरे को पता है कि मैक्सिमम लोग ये चीज़ नहीं करने वाले हैं. आप पढ़ोगे लास्ट में ही, ये हर कॉलेज का वो है, लाइक हर कॉलेज का यही सीन है, स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे लास्ट में ही पढ़ते हैं, पढ़ के पास भी हो जाते हैं, तो नो वरी. नेक्स्ट थिंग दैट आई एम टेकिंग अप हियर इज़ बुक्स. कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स? तो यार बुक्स का क्या सीन है ना कि हर कॉलेज में सीनियर्स अलग बुक सजेस्ट करते हैं, कुछ टीचर्स अलग बुक सजेस्ट करते हैं. तो आप अपने कॉलेज में एक बार जाओ, अपने सीनियर से इंटरेक्ट करो, उनसे पूछो कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, फिर टीचर्स भी कुछ सजेशन देंगे क्योंकि अभी एक महीना पढ़ाई तो होगी नहीं, फाउंडेशन कोर्स में कोई पढ़ाई नहीं होती है, उसके लिए आप टेंशन ना लो. तो एक महीने में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्स है, जो भी है. आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देखो, बुक्स पहले से ख़रीदने का कोई पॉइंट नहीं है. एंड काफ़ी सारी बुक्स होती हैं क्योंकि MBBS में, तो ऐसा करना कि अपने रूममेट के अकॉर्डिंग देखना, मतलब आपके रूममेट ने कुछ बुक्स ले ली, आपने कुछ ले ली, एंड शेयर करके ही पढ़ोगे तुम. एंड सीनियर से ऑब्वियसली सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं MBBS मेडिकल कॉलेजेस में, सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप सीनियर से बुक्स ले सकते हैं. ऑब्वियसली सीनियर्स आपको हमेशा रेडी रहेंगे बुक्स वगैरह देने के लिए, नोट्स देने के लिए, तो सीनियर्स के साथ एक हेल्दी इंटरेक्शन रखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाउंडेशन कोर्स. अब फाउंडेशन कोर्स है क्या? बेसिकली NMC की तरफ से एक गाइडलाइन आई है अबाउट द फाउंडेशन कोर्स कि एक महीने का ऐसा कोर्स होगा जिसमें आपको हर बेसिक चीज़ सिखाई जाएगी, लाइक पेशेंट और जो हमारा डॉक्टर है उसका इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट शुड बी देयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया जाता है इन द फाउंडेशन कोर्स. एंड ऑब्वियसली अटेंड करना कोई बहुत ज़रूरी है नहीं, बट स्टिल एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो यार अटेंड. मैंने तो ऑल्दो लास्ट में किया था और हमारे टाइम पे कुछ दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से फाउंडेशन कोर्स बहुत अच्छे से चला नहीं था, तो वो चीज़ें जो फाउंडेशन कोर्स का जो पार्ट रह गया था वो लाइक हमारे लेक्चर्स के साथ उसे कवर अप किया गया.
क्योंकि फाउंडेशन कोर्स की एक डॉक बुक भी होती है जो हमें फिल करनी होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि लाइक आपको चीज़ें कितनी समझ आई है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये होता है फाउंडेशन कोर्स, एक महीने यही चलेगा, कोई पढ़ाई नहीं होती है इसमें एंड यू विल हैव इट्स फन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रैगिंग। भाई रैगिंग पहले होती थी, अब नहीं होती है। इट्स जस्ट अ हेल्दी इंट्रैक्शन बिटवीन द जूनियर एंड द सीनियर, जिसमें यार तुम्हारा इंटर लेंगे, तुमसे पूछेंगे तुम कहाँ के हो एंड जो चीज़ें लाइक हर कॉलेज में होती हैं। मेडिकल कॉलेज में बस उसका नाम दे दिया जाता है कि हाँ ये इंट्रैक्शन हो रहा है सो इट्स रैगिंग, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हेल्दी इंट्रैक्शन होता है, कोई फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर नहीं होता है, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और भी कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक श्योर कि मैं उसका रिप्लाई दूँ। और आई विल मेक श्योर कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट लगा जिस पर काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं समथिंग, देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।